हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और नाश्ते वगैरह के बाद के सारे काम हैं जो फिनिश हो रहे थे। तो ये देखिए, मैं बर्तन धुल के रख रही हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को दूध और गर्म करना था, मतलब क्योंकि फिर दोपहर में बच्चे वगैरह पीते हैं तो पहले से गर्म करके रख दो ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डाली, एक को डाली हूँ मैं बॉर्नविटा और एक को मैंने बताया था ना पीडियाश्योर में लेके आई थी, तो मैं वो डाली हूँ क्योंकि वो वेद देव को पीडियाश्योर का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसी से खा रहा है। तो मैं इन लोग को अब दूध दूँगी। और इधर पड़े थे ये कपड़े जो कल शाम को धुले थे और ये सब सूख गए थे, तो फिर इनको लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है, नहीं तो रह जाता है। और ये बच्चों की कुछ टॉवल वगैरह होती हैं ना, ये मैं अलग ही करके रख देती हूँ। और ये पड़े थे फिर भुट्टे, तो इसको वेद को ये भुट्टे बहुत पसंद है तो मैं इसको गर्म कर देती हूँ और ये देखिए भून देती हूँ, खा रहा है। और अभी बजे है सुबह का 10 और काम निपट गए हैं काफी सारे, आपने देख लिया। आज नाश्ते में मैंने बनाए थे मसाला ओट्स, मतलब वेद के लिए मैंने बनाए थे मसाला ओट्स और देव के लिए बनाए थे मीठे ओट्स। और आज मैं खाना अभी इस टाइम पे आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जल्दी बना लेती हूँ। और बना रही हूँ मैं आलू परवल की सब्जी। तो परवल मैंने बताया ना रसीली गरम है अभी, फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो मैंने इसी कुकर में पहले ऑयल डाल के देखिए सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी। और आलू परवल की सब्जी ना मैं मसाला पीस के बनाती हूँ, मतलब सभी लोग बनाते होंगे, बट वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली और मसाले वाली ही अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी वो चटपटी हो जाएगी तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, इसलिए बच्चों के लिए मैंने बगल में तरोई छौंक दी है जिससे कि सिंपल सब्जी वो खा लेंगे आराम से, उनको पसंद भी है। तो इधर मैंने डाला है प्याज, आप देख सकते हो ये देखिए प्याज, ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें टमाटर डाल के आलू परवल की सब्जी बना देंगे। तो ये देखिए इसमें हमने अपना टमाटर भी ऐड कर दिया है, तो ये देखिए मसाला पक रहा है। अभी जब ये तेल छोड़ेगा तब हम इसमें हम अपना जो ये परवल है ये जो हमने फ्राई किया है और आलू इसमें ऐड कर देंगे और बंद कर देंगे, 2 सीटी में पूरा सब्जी बन जाती है। मसाले ने तेल छोड़ दिया था, अब उसमें हमने डाल दिया है परवल और आलू। तो आप ये देखो पानी डालने के पहले ना आप उसको आलू और जो परवल है उसको अच्छे से फ्राई कर लो। तो ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से फ्राई कर लोगे तब इसमें पानी ऐड करो। और पानी आपको जो ग्रेवी है वही मैं हमेशा बोलती हूँ, जो टमाटर हम लोग पीसते हैं प्याज पीसते हैं वही वाले से जार से ही आप पानी करके डाल दो। और बहुत ज्यादा पतली सब्जी नहीं बनाओ इसकी, तो ये देखिए इस तरीके से है। और इसमें बस नमक ऐड करिए और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो बारी आती है आज की रेसिपी की और मैं आपसे मिठाई शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है रक्षाबंधन आने वाला है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप काजू कतली कैसे बनाएं। तो पता है जब सबसे पहले ऐसा लगता है काजू कतली सुन के फिर ऐसा लगता है अरे भैया 1-2 किलो काजू चाहिए रहते होंगे तब जाके वो बनती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बाहर हमारे काजू कतली मिलती है ना वो भी एकदम आप क्या कहूँ शुद्ध नहीं मिलती है, मतलब प्योर काजू से नहीं मिलती बनती। कैसे आप घर पे बना सकते हो और ये भी मुश्किल से 10 मिनट का काम है तो फटाफट से बन जाती है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। 1 कटोरी लीजिए आप मूंगफली के दाने और थोड़े से आधा कटोरी मीन्स आप ये मान लो 50 ग्राम होंगे और इतने लीजिए आप काजू। तो आपने इन्हें क्या करना है, गैस ऑन करना है। पहले हम इसमें डालेंगे बिना घी भी के मूंगफली के दाने और इनको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, सिर्फ इतना सा रोस्ट करना है कि जो ये हमारे मूंगफली के दाने हैं इनकी जो नमी है वो चली जाए, बिल्कुल भी लाल नहीं करने हैं। मुश्किल से 2 मिनट के लिए करना है और हमें जिससे कि इसका जो ये छिकल है वो भी आराम से निकल सके। और इसी तरीके से हमने ये देख लिए डाल दिए हैं काजू। काजू में भी मैं आपको बताऊं बिल्कुल थोड़ा सा हमें करने हैं कि बिल्कुल लाल ना पड़े और इसमें भी जो जरा सा नमी हो, देखिए जैसे अभी ये टूटने में थोड़ा टाइम ले रहा है तो जब ये आप हल्का सा 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए कर लोगे तो चला जाएगा। तो देखिए इसको भी हम कर लेते हैं, काजू रोस्ट कर लिए हैं तो आप ये देखिए इस तरीके से है और इसमें इतना भी नहीं आना चाहिए, मतलब हो सके तो और आप करिए। अब आप अगर देखोगे तो ये अगर मैं पास से आपको तोड़ के कोई भी काजू दिखाऊं तो ये देखिए तो ये आवाज चाहिए हमें जिससे कि इससे पता चले हमारा नमी हो गया है निकल गई है। और जो हमारे जो हमने रोस्ट कर लिए हैं ये मूंगफली के दाने इसके हमें अब छिकल निकालने,
छिकल आप या तो हाथ से करके इस तरीके से मसल मसल के निकालिए, या आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें उसके बीच में सारे मूंगफली के दाने रख दीजिए और उसको फिर मसल दीजिए तो एक साथ निकल जाएगा। और फिर आप जिस तरीके से भी करना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका छिकल निकाल देते हैं। ये हैं हमारे काजू और ये हैं हमारे मूंगफली के दाने, किसी में भी लालिमा नहीं आ पाई है और ये हमने निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। इसके लिए हम चाशनी रेडी कर देते हैं। चाशनी के लिए आपको चाहिए एक कटोरी चीनी शक्कर और आधी कटोरी से थोड़ा कम पानी। और इसमें जो हम चाशनी बनाते हैं वो एक तार वाली बनाते हैं, तो वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। तो चलिए आइए। तो ये देखिए हमने डाल दी है शक्कर और इसी में हमने डाल दिया है ये पानी, बस इसको आपको चलाना है। तो बस ये देखिए जैसे ही एक तार की चाशनी का हो जाए हम इसे बंद कर देंगे। जब तक हमारी ये चाशनी बन रही है, जैसे मैंने इसको स्लो कर लिया है, हम इसको पीस लेंगे। और इसको आपको पीसना है दोनों को मिला के, मतलब आप काजू भी डाल दीजिए, जैसे मैंने ये काजू भी डाल दिए हैं, और इसी में मैं मूंगफली के दाने डाल देती हूँ और इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं और हमारी काजू कतली 5 मिनट्स में बन जाएगी। और ये देखिए इसी तरीके से चलाते रहेंगे चाशनी, एक तार वाली चाशनी चाहिए हमें। और ये देखिए ये हमने जो पाउडर फॉर्म में कर लिया है तो इस तरीके से आता है, इसको पीस लिया है। तो तब तक देखिए हमारी चाशनी भी बनके रेडी हो गई है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर थोड़ी सी गर्म होगी, ये देखिए ये आपको आना चाहिए, मीन्स एक तार बनना चाहिए। अगर दो तार आपने वेट किया, मतलब ज्यादा चाशनी पकाई, तो आपकी जो मिठाई है वो टाइट हो जाएगी। तो आप इसी को गैस एकदम स्लो कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा अपना ये ऐड करेंगे। तो ये देखिए, बस ये देखिए धीरे धीरे करके आप ऐसे तरीके से सारा ऐड कर दीजिए और इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर बाद ये जो आपका जो पूरा ये मिश्रण है, मिक्सर है, ये एक जगह सिमट जाएगा, जैसे मावा सिमटता है। और ये जितने लम्ब्स आपको दिख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो बस आप इसको चलाइए, मुश्किल से 5 मिनट में हमारा ये जो मिश्रण है पूरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो मिक्सर है ये काफी सिमटने लगा है, आप ये देख सकते हो। 2 मिनट बाद ही ये सिमटने लगा है, 2-3 मिनट और चलाएंगे तो ये पूरा एक जगह आ जाएगा, फिर हमारा जमाने के लिए रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं ये जो हमारा तली है, मतलब ये पैन की, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए। और ये एक जगह पूरा जो मिक्सचर है हमारा सिमट के आ गया है। जब आपका ऐसा हो जाए तो आप देख सकते हो, तो आप गैस बंद कर दीजिए और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। आप कैसे समझेंगे कि हमारा कितना हमें ठंडा करना है और जमाने के लिए रेडी है? तो हम बता दें, ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ में लीजिए जब ये गर्म ही हो, और ऐसे छोटी सी लोई बना के देखिए आप, लोई या लड्डू सा छोटा सा। तो ये देखो आप, एकदम चिकना जो है वो लड्डू बनेगा आपका, कहीं से फटेगा नहीं, इसका मतलब ये जमाने के लिए रेडी है। तो चलिए आइए इसको जमाते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप ये देखिए हल्का सा हाथों में हल्का सा एकदम अपनी ग्रीसिंग कर लीजिए, जिससे कि जो आपका लड्डू है या लोई आप जिससे भी कह लो, या फिर टिक्की जो कुछ लोग कहते हैं, ये अच्छे से बन जाए चिकनी। और अब इसमें आप क्या करेंगे, कोई एक थाली लीजिए आप जिसकी सरफेस एकदम प्लेन हो और उसमें अच्छे से आप घी लगा लीजिए, मतलब मैंने जैसे ग्रीसिंग कर ली है जिस चीज चाहे, और उस पे रख के बस इसको हम बेल देंगे। ये देखिए इसको हम इस तरीके से, इसको पलटाना नहीं है, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए एक बार। ये देखिए इस तरीके से इसको, कि इसकी जो चौड़ाई है, मीन्स इसकी विड्थ बहुत चौड़ी मत रखिए, बहुत पतली मत रखिए। तो इस तरीके से आप, मैंने सेट कर लिया है। जब आप इसको बेलोगे तो इसकी किनारे थोड़ी सी फटी होगी, तो आप इसको चाहे तो ऐसे मिला दीजिए। मैं क्या करती हूँ, इसके जो किनारे हैं वो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। मेरे पास चांदी का वर्क नहीं है, सिल्वर फॉइल जो बोलते हैं, ये एल्युमिनियम फॉइल नहीं, सिल्वर फॉइल बोलते हैं, तो आप उसको किसी भी शॉप से ले सकते हैं। और असली जो टेस्ट और जो लुक है वो उसके बाद ही आता है, वो आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है। मैं एक चीज और बता दूं, जो जिन लोगों के पास काजू अच्छे अमाउंट में है वो डायरेक्ट पूरा इसी प्रोसेस से पूरे काजू से भी बना सकते हैं, उनको मूंगफली ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट बाहर मिक्स ही मिलता है। तो चलिए देखिए इस तरीके से हो गया, अब हम इसे काटेंगे।
आप ये देख सकते हैं मेरे काटने के स्टाइल से कि ये कितना सॉफ्ट है, आराम से हमारी जो चाकू है वो कहीं भी नहीं रुक रही है। ये देखिए, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी उसी तरीके से काटने की। अब आप ये देखिए, इसको ना हल्का सा तिरछा काटेंगे आप, तो ये पूरा ये वही लुक दे देगी। अब मैं आपको जैसे कोई एक उठा के दिखाती हूँ, तो ये देखिए जो एक अच्छा लुक होता है हमारा, जो काजू कतली की, ये देखिए आप, इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रखोगे तो ये एकदम परफेक्ट है। तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, तो ये आप देख सकते हो। और इसी तरीके से मैं सारी पीसेस को काट के, आप चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, ऊपर इसमें वो चांदी वाला वर्क लगा हो तो वो और ज़्यादा लुक इसका बहुत अच्छा आता है, और ये बन खा के भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए चलते हैं बच्चों के पास और देखते हैं क्या कर रहे हैं, कुछ बदमाशी कर रहे होंगे। देवेद आ जाओ, आओ लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ कैसी है, इधर आओ वेद, बताओ तो पहले कैसी है, इधर आओ बताओ वेद। अच्छी है। देव आपने नहीं बताया, अच्छी है। कम अच्छी है क्या, ज्यादा ज्यादा अच्छी है। चलो से थैंक यू, थैंक यू। खा ली हूँ, सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया, आप इसे ट्राई कर सकते हो। वेद जबकि नमकीन खाते हैं, इन्हें बहुत पसंद आई है। वेद अच्छी लगी है ना आपको, बहुत अच्छी। मोटू पतलू, मोटू पतलू देखना तुम, ये भी मोटू है, ये भी मोटू है। अच्छी थी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और मुश्किल से मैं बता रही हूँ ना, 15 मिनट लगे, बस पूरी रेडी है। और खासकर जैसे इस टाइम हम लोग बाहर से चीज़ें नहीं ले सकते, परचेज नहीं इतना कर सकते हैं, ट्रस्ट इशू होता है, तो आप इसे घर पे बनाओ। और ये जो आपके फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एकदम अच्छी है, शुद्ध ताज़ी खाओ। और वेद चलो खाना खाएं, अच्छी थी ना, वेद को बहुत अच्छी लगी है ना वेद। देव क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो देव, फोटो निकाल रहा है, फोटो टीवी निकाल रहा हूं। क्या कर रहे हो, ये देखो, और ये कौन है, ये बेबी कार लिया, बेबी कार, और ये, और ये। चलो अच्छा बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बाय। अच्छा ऐसे, और फिर मैंने बच्चों को लगा दिया खाना, और ये दोनों खा रहे हैं। रात के करीब बज रहे होंगे 9, और इन दोनों को खिला के फिर मैंने ये देखिए थोड़ी देर इन लोग से बातें बातें करी, उसके बाद करीब 10 बजे मैं इनको फिर पढ़ाने बैठी थी। एक्चुअली इनका कुछ थोड़ा सा होमवर्क पेंडिंग था, मैं 2 पेज रह गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से लिखवा देती हूँ, साथ में दूध पिला देती हूँ, ये कर लेते हैं। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मेरे को बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई